हेलो फ्रेंड्स, रोबल्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर अपनी एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको शायद ही आपने कभी इस तरह से कभी भी ट्राई किया हो, और नहीं भी किया है तो मेरी इसको रेसिपी को फॉलो करिएगा और इसी तरह से ज़रूर बनाकर देखिएगा। और मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये रेसिपी बनाई और आपके घर में अगर फैमिली मेम्बर अगर उंगलियाँ चाटते नहीं रह गए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो इसमें है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, और सीक्रेट क्या है, वैसे तो ये सामने ही रखे हैं पर आपके लिए तो अभी सीक्रेट ही है ना। तो चलिए देर ना करते हुए ये रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर किन किन इंग्रेडिएंट्स का इसमें यूज़ किया है वो आपके साथ में शेयर करी हूँ। तो मैंने यहाँ पर ली हुई है दाल। अब आप सोच रही होंगी ये दाल कौन कौन सी है, तो यहाँ पर ये दाल है मेरे पास चने की दाल, और दूसरी है मसूर वाली दाल। मसूर वाली दाल जो लाल वाली होती है, काली वाली नहीं हमें लेनी है। मार्केट में मोस्टली इस तरह की ये साबित दाल मिल जाती है, देखिए इस तरह की आपको दिखाई दे रही होगी, तो इस तरह की ये दाल मार्केट में मिलती है, और ये देखिए अंकुरित भी हो जाती है ये थोड़ी सी। तो लगभग इसे 5 से 6 घंटे हमें भिगाना है, इसको सोख करके रखना है। तो ये दोनों दाल जो मैंने ली है, चौथाई चौथाई कटोरी मैंने ली है, और ये है मेरे पास हरी वाली मूंग दाल। इसमें से आपको छिकल नहीं उतारने हैं, ये भी 4 से 5 घंटे ही, इसको बस पहले से अच्छे से धोकर रखिएगा 2-3 बार, फिर इसी तरह से इसको भिगा कर रख दीजिएगा। बाद में सिर्फ इसका हमें पानी ही इसमें से निकालना है, बाकी इसको हमें बार बार धोना नहीं है, क्योंकि अगर हम बार बार धोएंगे तो इसमें से छिकल निकल जाएंगे। तो हमें इस दालों को यहाँ पे भी, मैंने ये जो दाल ली है वो है मेरी हाफ कटोरी और ये चौथाई चौथाई कटोरी है, और अगर देखा जाए तो ये दाल मैंने ली है लगभग 50 ग्राम्स में। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग इसको ऐसे बना सकते हैं, मैं कटोरी की क्वांटिटी से मैं बता सकती हूँ। अब ये लौकी, लौकी की बारी आती है, तो लौकी का क्या हुआ, कल मैंने सब्ज़ी बनाई थी लौकी की, अच्छी लौकी है, देखिए इसमें सीड्स आपको नहीं दिखेंगे, बहुत अच्छी लौकी थी। एक ही फिसल में ये लौकी गल चुकी, क्योंकि ये किसी के फार्म से आई थी, तो मुझे ये लौकी थोड़ी सी इतनी बची। अब मैंने सोचा कि इस लौकी का क्या किया जाए, तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी स्टार्ट शेयर करती हूँ। तो मैं इसके साथ में ये लौकी की कड़ी बना रही हूँ। अब मुझे लौकी को पहले कद्दूकस करना है, और इसका पानी जो है उसको मुझे निकाल देना है, और हमें एक्स्ट्रा पानी इन दालों में नहीं डालना है। जैसे मेरी ये दाल में बिना पानी की है उसी तरह से मुझे इनको पीस लेना होगा। तो चलिए मैं अपनी तैयारी करती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरी लौकी कितनी अच्छी है और कितनी ताज़ी है, ये एकदम फ्रेश लौकी है। अब मुझे इसको कद्दूकस करना है, तो मुझे देखिए इस तरह से इसको कस करना होगा। देख सकते हैं आप, इसमें एक भी बीज इसमें नहीं आया है, क्योंकि इसमें बीज नहीं थे इसलिए ये इस तरह की लौकी बनके रेडी हुई है। तो मैं ऐसे ही और कद्दूकस कर लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने लौकी को क्रश कर लिया। अब मुझे ये जो दाल है मेरी, दोनों मूंग वाली और ये दाल मिक्स, तो मुझे इनको अब ग्राइंड करना है, अच्छे से इनका पेस्ट बनाना होगा, और इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे। दाल में से मैंने सारा पानी निकाल दिया था, उसके बाद ही हमें इसमें इसको पेस्ट बनाना है। तो मुझे दाल पीसने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक ग्रीन चिली, और यहाँ पे ये दाल जो है इस तरह से, और जो पानी इसमें एक्स्ट्रा रह गया है किसी तरह से, देखिए तो इस पानी को मैं इसे निकाल दूंगी, और जरा सा टुकड़ा हम डालेंगे इसमें अदरक का, और इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका पेस्ट बनके तैयार हो चुका है, देखिए कितना ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें से जो पानी भी रह गया था ना उसे भी मैंने निकाल दिया था। अब हम इसे क्या करेंगे, जो हमारी लौकी है, लौकी के लच्छे में हम इसे पेस्ट को ऐड कर देंगे। हम सारा ही इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमें इसमें है ना, जो हमारे पास दही है, अब जब हम करी बना रहे हैं तो ये तो दही के बिना नहीं बनेगी। जो हमारे पास दही है, देखिए मैंने जार खाली कर दिया है, कंप्लीटली जार में से हम सारा ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है, तो दही लगभग मेरा 1/2 किलो के करीब मैंने इसमें दही लिया है, तो दही को हम सारा ही डाल देंगे इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये दही भी बनके रेडी हो चुका है, लस्सी बन गई है इसकी। मिक्सी में मैंने इसलिए इसको चला दिया था क्योंकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब इसमें जाएंगे मसाले, जिसमें मैं रेड चिली पाउडर मैंने हाफ टी स्पून लिया हुआ है, क्योंकि ग्रीन चिली जो है ज़्यादा तीखी होती है तो ज़्यादा स्पाइसी पकौड़े नहीं अच्छी लगेंगे कड़ी में। अब मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून के करीब सूखा धनिया, और 1 पिंच में इसमें हींग ऐड करूंगी। नमक इसमें हम जब डालेंगे, जब हम पकौड़े बनाने स्टार्ट करेंगे। मैंने इधर मस्टर्ड ऑयल अपना गर्म होने रख दिया है, तो मस्टर्ड ऑयल भी मेरा लगभग गर्म ही हो चुका है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगी, जो मेरे पास साल्ट है टेस्ट अकॉर्डिंग मैं इसमें साल्ट ऐड करूंगी। तो इसमें लगभग 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें साल्ट ऐड करूंगी, और अब मैं पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दूंगी। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है, तो इसमें मुझे हल्दी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मूंग की दाल जो थी वो हरी थी और लौकी भी हरी है, तो मुझे जो इसके पकौड़े चाहिए इसी तरह की चाहिए। इसमें मुझे कोई भी कलर ऐड नहीं करना है, और बस हम इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अगर आप इसको ज़्यादा मिक्स करेंगे तो लौकी में और जो भी पानी होगा वो छोड़ देगी अपना, तो ऐसा हमें नहीं करना है। सिर्फ इसे हल्का सा मिक्स करके इसके पकौड़े बनाने स्टार्ट कर देंगे। पकौड़े किसी भी शेप में चल जाएंगे, लेकिन जो रेसिपी बन रही है, जो कढ़ी बन रही है, ये उसके टेस्ट की तो आप तुलना ही नहीं कर सकते कि ये कितनी अच्छी टेस्ट वाली कढ़ी बनती है। चलिए मेरा ये मिक्स हो गया, कढ़ाई में ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो मैं अब पकौड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह से इसमें पकौड़े ऐड कर दूँ, हाथ से भी छोड़ सकते हैं आप और स्पून की सहायता से भी इसको बना सकते हैं। मैंने कहा था कि पकौड़ों की शेप पर नहीं जाना है, सिर्फ इसके टेस्ट पर ही जाना है। क्योंकि लौकी है, लौकी के लच्छे हैं, तो लौकी के लच्छे थोड़ा सा अपना भी शेप लेते ही हैं, कहीं के कहीं एकदम से पकड़ में हाथ में नहीं आते हैं। तो अभी इसमें स्पेस इतना ही है, देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पकौड़े भी देखिए फूल रहे हैं, और कितने अच्छे मैंने जरा जरा सा बैटर डाला था इसमें और फूल भी रहे हैं ये, क्योंकि दाल को अच्छे से मैंने पीसा हुआ है, तो पकौड़े तो अच्छे बन के रेडी हो गए ही। देखिए तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पकौड़े तो बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दूसरी बार के भी इसमें डाल दिए हैं, जब तक ये सिकते हैं तो मैं आगे की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे अंदर से पकौड़े कैसे बनके रेडी हुए हैं। देखिए अंदर से भी कितने अच्छे फ्लफी हैं, और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि मुझसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा बस ग्रीन चटनी हो, हरी धनिया की चटनी, और बस पकौड़े लेकर बैठ जाऊँ। मेरा बेटा तो ऐसे ही पकौड़े काफ़ी पसंद करता है। अब मैंने इसमें किया हुआ है देसी घी ऐड 1 बड़ा स्पून। तो यहाँ पर हम इसमें हींग ऐड कर देंगे, और इसमें हमारे पास जो खड़े मसाले हैं, यानी कि इसमें मेथी दाना है, ग्रीन चिली, रेड चिली और ज़ीरा, क्यूमिन सीड्स। तो मैंने ये लगभग सारी चीज़ें 1 टीस्पून ले रखी हैं, और इसी में हम ऐड करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं मेरा जीरा, मेथी दाना, हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों ही भुन चुके हैं, और हींग भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। हींग थोड़ी अच्छी सी क्वांटिटी में इसमें ऐड करते हैं, और ये है करी पत्ता, कम से कम 15 से 20 मैंने इसमें पत्ते लिए हुए हैं करी लीव्स। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है करी लीव्स का इसमें। प्याज हमारी इसमें भुन चुकी है, तो अब इसमें हमने 1 टमाटर लिया हुआ है, उसको भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें हमें नमक ऐड नहीं करना है अभी। अब इसमें जाएंगे मसाले, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी, कोरिएंडर पाउडर,
लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है जिसको मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। अब यहाँ पर आती है दही की बारी। फ्लेम को हमें हाई करना होगा और दही को हमें लगातार चलाना होगा। अगर ये फट गया तो आपकी करी खराब हो सकती है। इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, इसको लगातार इसी तरह से चलाना होगा। आप चाहें तो इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं अगर आपको इसे ढंग से मतलब सही तरीके से नहीं आ रहा हो समझ में, लेकिन ये करी इसी तरीके से बनती है तो ये काफ़ी अच्छी और अमेजिंग बनती है। टेस्ट के तो बारे में आपको मैं बता ही नहीं सकूँगी कि कितनी अच्छी करी बनती रेडी होती है। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, लगातार इसी तरह की इस तरीके से आप इसको चलाते रहेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरी करी बिल्कुल भी नहीं फटी। लगातार चलाने से यही इसका रीज़न होता है कि ये आपकी करी बिल्कुल नहीं फटेगी। और प्योर दही से ही ये रेसिपी बनती है। तो इसको अच्छे से बॉयल उबलने देते हैं। और अगर आपको इसमें पानी बढ़ाना है थोड़ा सा तो आप डाल सकते हैं। वैसे मुझे इसमें पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जो मेरा जार है उसको ही धोकर इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं जो मेरा जार था जिसमें मेरा थोड़ा सा दही रह गया था उसी में मैंने इसमें लगभग एक ही कटोरी मैंने छोटा सा पानी ऐड किया है। इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। इसमें हमें और कुछ मसाले ऐड नहीं करने हैं। और ऊपर से हम थोड़ी सी स्प्रिंकल्स करेंगे इसमें कसूरी मेथी और हरी धनिया से गार्निशिंग करेंगे। जैसे ही अच्छे से हमारी ग्रेवी बॉयल हो जाती है, जो हमारा करी का जो है लिक्विड वो अच्छे से अगर हमारा पक जाएगा उसके बाद ही हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। तो यहाँ डालेंगे अब हम इसमें कसूरी मेथी। हमने इसे भूनने में नहीं डाला था क्योंकि भूनने में क्या होता है अक्सर कसूरी मेथी जो होती है वो जल जाती है। हमेशा कसूरी मेथी आप बाद में ही इसमें ऐड करिएगा क्योंकि वो रोस्ट ही होती है, ड्राई होती है, सूखी होती है, तो हमें ऊपर से ही इसका अच्छा फ्लेवर आता है एकदम से। और जब जल जाती है तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। ऐसे ही करी पत्ता है, करी पत्ते को भी कभी भी ज़्यादा मत जलाइएगा। अब इसमें आती है पकौड़ों की बारी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके इसमें पकौड़े ऐड कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसमें पकौड़े ऐड कर दिए हैं सभी। इसके बाद हमें ज़्यादा इसको नहीं पकाना होगा, थोड़ा सा ही पकाएंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें साल्ट टेस्ट टू अकॉर्डिंग। साल्ट डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब साल्ट ऐड कर दिया है। और लगभग इसे 5 मिनट के लिए हम पकने देंगे क्योंकि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी ये दाल के पकौड़े हैं। दूसरी बात ये है ना, जो पकौड़े होते हैं वो आपका जूस जो है करी है हमारी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये बेसन की तरह नहीं होते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा इसे पकौड़े एब्जॉर्ब करने में। लगभग मैंने जो अपनी करी को अच्छे से बॉयल किया है, इसमें कोई मैंने बेसन ऐड तो किया नहीं था, ना ही दाल का पानी ऐड किया था, तो बस मैंने डायरेक्ट इसको दही में ही बनाया है तो हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने फिर भी इसको 15 मिनट के करीब इसको पकाया हुआ है और इसको लगभग हमें सिर्फ 5 मिनट ही और पकाना है, उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी करी तो बनके तैयार हो चुकी है। और देखिए जो इसका लिक्विड था वो भी, जो इसकी ग्रेवी थी कितनी सी रह गई, क्योंकि एब्जॉर्ब बहुत जल्दी से करते हैं ये पकौड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं अंदर से इसको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट हैं कि ये अपना जूस भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब अगर हमें ज़्यादा पकाएंगे तो आपकी कढ़ी ड्राई हो जाएगी। तो अब मैं इस फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। तो मेरी कढ़ी तो बनके तैयार हो चुकी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और कमेंट्स भी प्यारे प्यारे दीजिएगा, जिससे मैं अपनी रेसिपी और लेकर आऊँ, इसी तरह से यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो चलिए मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब आती है इसमें हरे धनिए की बारी। तो इसी तरह से आप इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं। आजकल तो हरा धनिया इतना अच्छा आ रहा है कि खुशबू भी इतनी अच्छी आती है, और कितना चमकदार, शाइनी और एकदम फ्रेश हरा धनिया है ये। तो चलिए
ऐसी ही रेसिपी में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।